हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आइए इस लेक्चर में समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के देखते हैं कि कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो आओ, बेसिकली हुआ क्वेश्चन नंबर 21 में जो ट्रांजैक्शन दी हुई है वो क्या क्या ट्रांजैक्शन है, पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर एम एस कृष्णा ब्रदर्स। सबसे पहले हुआ बोल रहा है कि डिप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट ऑफ 12%। अब देखो, 50,000 का मशीनरी था जिस पे आपको 12% से क्या लगाने हैं, डिप्रिसिएशन, यानी कितना, 6,000। अब ये देखिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन से रिलेटेड या क्वेश्चंस हैं। एंट्री क्या पास कीजिएगा, डिप्रिसिएशन आपके लिए फॉर्म के लिए लॉस है, राइट। तो क्या क्या होगा हुआ, एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी। यहाँ पे आपको जो एक चीज समझने वाली बात है, देखो आप मशीनरी क्रेडिट तो करते हैं कौन से बेस को मान करके, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग को मान करके, बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। इसका डिटेल जो है हम लोग क्लास में करवाए हुए हैं, राइट। तो वो एंट्री आप पहला क्या पास कीजिएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब देखो तो हुआ कि अमाउंट कितना हो गया आपका, 6,000 एंड 6,000, राइट। सेकेंड एंट्री क्या है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम महेश ₹20,000 इज रिकवरेबल। कहने का मतलब महेश के पास में ₹20,000 जो है बाकी था, अब वो पेमेंट नहीं मिलेगा, राइट, ई रिकवरेबल। और बिकॉज हुआ इरिकवरेबल क्यों हुआ, बिकॉज महेश जो है इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, और वो पेमेंट आपको नहीं दिया। तो एंट्री क्या पास होगा, हुआ ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर वाले जो है उसके से कौन क्वेश्चंस है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट एपोस्ट्रोफियस 20,000 और 20,000। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 व्हिच वाज रिटन ऑफ लास्ट ईयर। वो ऐसे अमाउंट था जो प्रीवियस ईयर में राइट ऑफ आप कर दिए थे, राइट, और अब क्या हो गया, वो रिकवर्ड हो गया। तो देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर में केस हम आपको बताए थे बैड डेट रिकवर, वहां से ये क्वेश्चंस हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। अमाउंट हो गया आपका 500 एंड 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह सोहन जो है ₹10,000 जो है ओड किए हुए था, बिका मतलब सोहन के पास ₹10,000 आपका बाकी था जो इंसॉल्वेंट हो गया, और मिला उससे ओनली 50 पैसे रिसीव इन रुपीज। कहने का मतलब 1 रुपया में 50 पैसे। अब देखो वो कोई भी अमाउंट अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, राइट। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 रुपया में 50 पैसे मिला, इसका मतलब 50% मिला, तो 10,000 का 50% 5,000, राइट, और 5,000 क्या हो गया आपका, डूब गया। तो वह फाइनल एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट हो गया आपका 5,000, और किसके पास में था, वो सोहन के पास में, टू सोहन अकाउंट जो हो गया वो आपका टोटल 10,000, राइट। अब उसके बाद में देखते हैं, अ चेक विच वॉज रिसीव फ्रॉम मोहन डिपोजिटेड इन टू बैंक, बैंक हुआ जमा किए नेक्स्ट नेक्स्ट डे। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग कराते समय में भी हम आपको पूरे डिटेल कराए थे कि जब भी कोई, फिर भी अभी भी समझ लीजिए, जब भी आप कोई भी चेक रिसीव करते हैं किसी भी पर्सन से और उस चेक को सेम डे में बैंक में जमा नहीं करते हैं, तो चूंकि वो हुआ टर्म्स जो है एक्सचेंज होकर क्या हो जाता है, चेक इन हैंड। तो वह एंट्री क्या पास होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और टू मोहन, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन
अमाउंट हो गया आपका 10,000 और ये अमाउंट हो गया आपका 10,000। लास्ट हुआ नेक्स्ट डे, उसी चेक को बैंक में जमा किए थे राइट। तो ये एक नंबर ट्रांजेक्शन, दो थर्ड ट्रांजेक्शन है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ का ए है हुआ, और ये फिफ्थ का बी नंबर ट्रांजेक्शन क्या होगा, एंट्री सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन अकाउंट, बिकॉज सेम चीज का बैंक में जमा कर दिया। अमाउंट हो गया आपका 10,000 और ये अमाउंट हो गया 10,000। तो गाइज इस लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 21 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लो और उसके बाद जो है इसके बाद वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। वह होपफुली जो है आप इस क्वेश्चन को नोट कर चुके होंगे राइट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। ट्रांजैक्शन और किस प्रकार जो है बिजनेस का ट्रांजैक्शन गिवन है और आप लोग एंट्री उसका क्या पास कीजिएगा राइट। वह क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, पहला ट्रांजैक्शन गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 एंड कैश वर्थ रुपीज 20,000 वेयर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। मतलब यहां पे हुआ लॉस बाय थेफ्ट है राइट। तो एंट्री क्या होगा, हुआ लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट और हुआ गुड्स के जगह पे टू परचेज और टू कैश भी गया है। अब देख लो हुआ आपका कैश है 20,000 और गुड्स है 50,000 और ये हो गया आपका टोटल लॉस बाय थेफ्ट हो गया 70,000 यानी 70,000। गुड्स कॉस्टिंग हुआ 10,000, हुआ 10,000 का माल जो है रिटर्न किए हैं राम ब्रदर्स को, जो कि मतलब कंज्यूमर्स के हेल्थ के लिए क्या था वो अच्छा नहीं था। अब वो रिटर्न कहने का मतलब क्या, परचेज रिटर्न सही है आपका। तो एंट्री आप क्या पास कीजिएगा, हुआ किसको वापस किए, राम ब्रदर्स। तो राम ब्रदर्स जो है वो क्या आपका पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर और परचेज रिटर्न, यहाँ परचेज रिटर्न है आपका इनकम बनेगा। तो ये क्या हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो वह फाइनली एंट्री क्या पास किए आप, राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट हो गया वो आपका 10,000 और ये 10,000 हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 में केवल दो ट्रांजैक्शंस था राइट। और उसके बाद देखो तो 23 में क्या बोल रहा है हुआ क्वेश्चंस। आप जो है क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 12,000 बंसल ब्रदर इशूड इनवॉइस एट 20% एवव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हुआ आप जो है 20,000 का सामान जो है राम ब्रदर्स को क्या किए मालूम है, बेचे हैं, जो अपने कॉस्ट से 20% बढ़ा के और 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 10% घटा करके। तो वह एंट्री क्या पास कीजिएगा, सबसे पहले तो उसका वर्किंग समझ लीजिए। वह 20,000 का पहले तो अमाउंट हुआ, सामान कितना था सॉरी, वह 12,000 का सामान था सॉरी 20,000 का नहीं, वह 12,000 का कॉस्ट का था, 20% बढ़ा करके आपने बेचा है। अब देखो तो वह इनवॉइस से 20%, तो कहने का मतलब क्या, अगर 12,000 का सामान था जिसको आप 20% जो है एवव कॉस्ट किए हैं, तो वह कितना 120 इंटू 20 कितना हुआ 1200 यानी ये हो गया आपका 2400। तो 12,000 और प्लस 2400 ये तो कितना हो गया 14,400।
अब ये कॉस्ट का आपने सामान उसको दिया है, जिसपे 10% आपको क्या निकालना है, हुआ ट्रेड डिस्काउंट। तो 14,400 का 10% निकालिएगा तो आया 1440। अब वह नेट में सामान एक्चुअली आपका कितना, 14,400 माइनस 1440 इज इक्वल्स टू कितना, 0 6 4 10 6 और हुआ ये 13 बच गया, तो 13 में से 4 गया तो ये हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी 12,960 रुपीज का जो है अब सामान जो क्या किए हैं बुआ उसको दिए हैं, राइट। तो एंट्री क्या होगा बुआ, बंसल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, बंसल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 12,960, 12,960। और दूसरा एंट्री क्या बोल रहा है वो, राजवीर बिकम इंसॉल्वेंट, ही पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट आउट ऑफ 15,000। अब वो देखो तो राजवीर जो था वो इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया। अब वो क्या, और दिवालिया होने में उसके पास ड्यूज कितना था, 15,000 रुपीज का ड्यूज था, बट उन्होंने पेमेंट कितना किया, केवल 10,000 रुपीज, 5,000 जो है वो आपका अगेन क्या है, बैड डेट्स। तो एंट्री क्या पास कीजिएगा हुआ, ये 23 का पहला और दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 मिला, आपका बैड डेट अकाउंट डेबिट ये आपका हो गया 5,000। और वो कौन सा था, राजवीर था, टू राज राजी राजवीर है ना, वो राजवीर सा अकाउंट हो गया आपका, टोटल हो गया ये 15, राइट। तो वो हम लोग जो है इस क्वेश्चन में, मतलब इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वो हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, वो 24 से कंटिन्यू करेंगे। स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है, एक से वो 2 से 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और तब तक अब वो जब मान लो कि लेक्चर तो अपलोड हम आपको करते ही हैं, इस इन बिटवीन आप खुद से ट्राई करो, जो भी क्वेश्चन में इशू होगा बाद में जब लेक्चर अपलोड होगा ना तो उससे चेक करना, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंट क्या होगा, बिल्ड होगा, राइट। और गाइस वन मोर इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है, क्लास 12th का जो बैच 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और अब जो है वो हम लोग साथ में इंग्लिश भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो गाइस लाइव बैच के लिए जो आप ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो गाइस हैव अ नाइस डे, बाय बाय।